सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th, राइट? सो क्वेश्चन इसका किस तरीके से होता है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी और थेज थ्योरम। सो इसकी क्या स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, राइट? सो अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एक ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने ऑलरेडी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, ए बी सी ट्राइंगल है, एंड बी सी इज हेयर, बी सी इज पैरेलल टू डी। यहाँ पर जो एक साइड है ना, वो साइड कौन सी है हमारी, बी सी, राइट? ट्राइंगल की कोई भी एक साइड हम कंसिडर कर सकते हैं, तो वो है साइड बी सी। एंड ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है, ठीक है? ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, अगर हम वापस से स्टेटमेंट पर आते हैं, तो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये कौन कौन से डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरा है पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? सो इस केस में क्या होगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो अदर टू साइड्स का रेशियो है ना, वो क्या हो रहा है, वो सेम इक्वल रेशियो में आ रहा है। दैट्स मीन्स ए डी डिवाइड बाई डी बी जो है वो ए ई डिवाइड बाई ई सी के है, राइट? सो व्हाट वी हैव गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी, राइट? ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच DE is parallel to BC. It is given in the question. You can see if a line is drawn parallel to one side of a triangle. तो हमें triangle given है और one line हमने draw की है parallel to one side of a triangle. That means DE is parallel to BC. It is given in the question, right? और ये जो हमने एक line draw की है वो कौन से point पर intersect कर रही है, D और E point पर intersect कर रही है. Now what we are proving here, to prove AD divided by DV, AD divided by DV is equals to AE divided by EC, right? ये हमें प्रूफ करना है, AD divided by DV, right? AE divided by EC. तो हमें अदर टू साइड्स का जो रेशियो है ना वो इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर देखो डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है, ब्राउन कलर से। तो इसमें हमने डी एन जो है ना, वो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ डी एन विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी पर ये परपेंडिकुलर है, इस पूरी लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, इस पूरी लाइन पर, राइट? ए ई इज़ अ पार्ट ऑफ ए सी, तो ए ई पर भी परपेंडिकुलर है और ए सी पर भी परपेंडिकुलर है और ई सी पर भी परपेंडिकुलर है, यू कैन से। उसके बाद और जो ई एम है, ई एम वो किस पर परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर है ए डी पर भी आप कह सकते हैं, राइट? ए बी पर भी कह सकते हैं और डी बी पर भी कह सकते हैं, डी बी पर भी कह सकते हैं। तो अभी हम लिख रहे हैं कि ई एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ऑल्सो वी हैव जॉइन बी ई, हमने बी को ई से ज्वाइन किया एंड सी डी को ज्वाइन किया। ये जो ब्राउन कलर से है ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की गई है, राइट? अब इसका प्रूफ प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर या प्रूफ इसका क्या है, देखो इस केस में ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है। जब भी हम ये बेस कंसीडर करेंगे ना, तो या तो लेफ्ट साइड पार्ट कंसीडर करेंगे या राइट साइड पार्ट, क्लियर है? ओके, सो स्टेप नंबर वन में आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। देखो ऊपर वाला ट्राइंगल आप सभी देखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ये वाला ट्राइंगल है जो, ठीक है, ऊपर ए डी ई। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, is equals to 1 by 2 into base into height. So 1 by 2 base. What is base here? देखो बेस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको या तो लेफ्ट साइड कंसिडर करनी है या फिर राइट साइड। बेसिकली देखो बेस क्या होता है, जिस पर कोई लाइन आकर के 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो देखो ई एम जो है वो ए डी पर परपेंडिकुलर है। सो बेस क्या हो गया हमारा, ए डी एंड परपेंडिकुलर क्या है, ई एम, ठीक है? इसे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसे हम देखो इस ट्राइंगल से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप ट्राइंगल देख रहे हो, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ, ठीक है, हम इस ट्रायंगल के एरिया से इसे डिवाइड करेंगे। इस ट्रायंगल का नाम है ए ट्रायंगल, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, राइट? सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू 1/2 अगेन बेस इन टू हाइट, बेस इज नाउ बी डी, ठीक है, बेस क्या है, बी डी है, एंड परपेंडिकुलर सेम बी डी। अगर हम इसको आगे तक ले जाते हैं तो इसमें भी परपेंडिकुलर क्या है, ई एम। और आपको जो ऊपर गिवन है ना, यही सेम
आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर लिखना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा ए डी डिवाइड बाई बी डी, दिस इज पॉइंट नंबर 1, राइट। उसके बाद अगेन अगेन वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। एक बार दोबारा हमें ए डी ई जो ट्राइंगल है ना उसका एरिया हम टू वेज से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक तो हमने बेस इस तरफ अभी कंसिडर किया, अब हम बेस कंसिडर कर रहे हैं ए ई को, ओके। सो 1/2 बेस इज ए ई। अच्छा हम इसमें दो बेस क्यों कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है लेफ्ट साइड में एम पर, और राइट साइड में भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एन पर, तो इसका एरिया हम टू वेज से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/2 बेस इज ए ई एंड परपेंडिकुलर इज डी एन, परपेंडिकुलर इज डी एन, ओके। नाउ सेकेंड इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो राइट साइड में कौन सा ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, तो राइट साइड में जो हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो ये है, ठीक है, ये आप देखेंगे। तो ये जो ट्राइंगल है बेसिकली इसका नेम है डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी। सो सेम फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एंड बेस इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड, सो ई सी एंड परपेंडिकुलर इज सेम डी एन, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, डी एन ही मिल रहा है परपेंडिकुलर ये, ठीक है। नाउ डी एन इज कैंसिल फ्रॉम डी एन एंड 1/2 से 1/2 कैंसिल, सो ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये है पॉइंट नंबर 2। अब देखो पॉइंट नंबर 1 और 2 को अगर आप देखेंगे ना, तो ए डी डिवाइड बाई बी डी यही हमें प्रूफ करना था, एंड ए ई डिवाइड बाई ई सी ये हमें प्रूफ करना था, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि एल एच एस भी सेम होना चाहिए। तो एल एच एस में जब हम ध्यान दें तो न्यूमरेटर दोनों के सेम है, क्योंकि हमने दोनों में एक ही ट्राइंगल का यूज़ किया है, ट्राइंगल ए डी ही। बट क्या है ना, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट। तो अब आप क्या करेंगे, देखो एक थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या है, सिंस ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी जिसपे मैंने येलो और रेड कलर किया हुआ है, तो सिंस ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी आर लाइंग ऑन सेम बेस सेम बेस, बेस क्या है यहाँ पर डी, राइट। ये दोनों ट्राइंगल देखो किस बेस पर बने हुए हैं, तो डी बेस पर बने हुए हैं, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस सो देयर एरियाज आर इक्वल। अगर कभी भी कोई भी दो ट्राइंगल एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में बने होते हैं तो उनके एरिया क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ऐसा हमने क्लास 9th में, ठीक है, रीड किया हुआ है, ये एक थ्योरम है आपकी। तो अब हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों के डिनोमिनेटर, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट में बेसिकली क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में ये आर एच एस तो दोनों इक्वल हो ही जाने, अगर एल एच एस इक्वल होंगे, तो एल एच एस में न्यूमरेटर इक्वल थे, डिनोमिनेटर अब हमने पॉइंट नंबर 3 से इक्वल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि दोनों के एल एच एस इक्वल हैं, अगर दोनों के एल एच एस इक्वल हैं तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, ए डी डिवाइड बाई बी डी इक्वल्स टू में क्या है, ए ई डिवाइड बाई ई सी, राइट। तो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम हमारे थेस मैथमेटिशियन ने दी थी, ठीक है, जो कि आप पिक्चर आप देख सकते हो। तो ये है इसमें आपको थ्योरम है जो कि लिखना होगा, इसमें अगर कभी भी क्वेश्चन आता है स्टेट, तो आपको पहले ये स्टेटमेंट लिखनी होगी, फिर उसके बाद आपको इसे प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद गिवन लिखेंगे, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो हमने किया, देन उसका प्रोसीजर में आपको क्या करना है, बेसिकली टू टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के डिवाइड कर देना है, एंड नेक्स्ट एक आपके थ्योरम लिखनी है, अगर कभी भी कोई भी टू ट्राइंगल एक ही बेस और टू पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं तो उनका एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हैं, दैट्स इट।